ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। धर्मा, मैं विष्णु और शिव यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। राम रटत कोड़ी भलो छू छू पड़े जो चाम, ये सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नाही नाम। राम रटत दारिद्र भलो टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के, जहां भक्ति नहीं भगवान। कबीर जिव्या तो आए भली जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट फेंक दियो ये मुख में भलो ना चाम। राम रटत कन्या भली साकट भलो नपूत, जैसे बकरी के गल में गल थना जिसमें दूध ना मूत। मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। ये है वो सच्चिदानंद घन की वाणी, ये है वो कबीर वाणी, जो कहीं पर भी खड़े होकर परमात्मा इस अमृत वाणी को बोलने लग जाते थे, ऊंची आवाज में गाकर सुनाते थे। बहुत से श्रद्धालु उनके आसपास आकर बैठ जाते थे और परमात्मा दो दो घंटे तक उनको ये ज्ञान सुनाया करते थे। इस ज्ञान से प्रभावित होकर और परमात्मा के द्वारा दिए गए उस सत्य मंत्र से के जाप से उनको बहुत सुख होने लगे, उनके दुख दूर होने लगे और 64 लाख शिष्य परमेश्वर कबीर जी के शिष्य प्रथम चरण में जब परमात्मा काशी में आए थे, कबीर देव एक धारणक की भूमिका कर रहे थे, एक दुलहे की भूमिका कर रहे थे। तो इस प्रकार वो परमात्मा अपनी अमृत वाणी को उच्चारण करके उच्चे स्वरतः गर्ज गर्ज कर सुनाते हैं और उनके द्वारा रची गई वो श्लोक शब्द कविताएं, यानी जो कविताओं के से लोकोक्तियों के माध्यम से जो ज्ञान सुनाए बोलते थे और वो जो लिपिबद्ध कर दिए गए, कहते उनके अनुयायियों को बहुत ही स्वादिष्ट यानी बहुत ही आनंदित करते हैं। जब वो परमेश्वर आते हैं और ऐसे लोकोक्तियों के माध्यम से ज्ञान प्रचार करने के कारण उनको प्रसिद्ध कवि की उपाधि भी प्राप्त होती है। ये अपने पवित्र वेद बता रहे हैं जो ये दास आपको बोलकर सुना रहा है और आज दिन में सुबह के सत्संग में आपको उन सदग्रंथों से रूबरू कराया गया था। तो पुण्यात्माओं, जो पवित्र वेदों में लिखा है, पवित्र हिंदू धर्म
उसको एथेंटिक मानता है और वो ज्ञान बता रहा है कि वो कबीर है, वो कवि की उपाधि भी प्राप्त करता है, लेकिन वास्तव में वो होता, वो परमात्मा ही होता है, वो भगवान ही होता है, वो अमर पुरुष है। वो परमात्मा अपने लोक से चलकर आता है, अपने तीसरे धाम यानी सतलोक से चलकर आता है अमर लोक से, और यहां श्रेष्ठ आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को, दृढ़ भक्तों को आकर मिलता है, उनको ज्ञान उपदेश सुनाता है। पुण्यात्माओं, ये सत्यनारायण कथा है जो ये दास आपको सुना रहा है। सत्यनारायण का अर्थ होता है अविनाशी परमेश्वर। अभी तक हम श्री विष्णु जी की कथा सुना करते थे, उसको सत्यनारायण कथा मानते थे। वो सत्यनारायण कथा नहीं थी, वो अविनाशी भगवान की जानकारी नहीं थी, वो तो नाशवान भगवान थे श्री विष्णु जी, और उसको सत्यनारायण कह के हमें सुनाया जाता था। ये सत्यनारायण की कथा है। और पुण्य आत्माओं, आत्मा को इस परमात्मा की चाह उसी समय से महसूस हो गई थी जब से ये उससे बिछुड़ी है। उसी की तलाश में भटक रहे हैं, कोई जंगल में जा रहे हैं, कोई पर्वतों की गुफाओं में बैठकर उसकी तलाश कर रहे हैं, कोई मंदिरों में ढूंढ रहे हैं, कोई मस्जिदों में ढूंढ रहे हैं, कोई गुरुद्वारों में खोज रहे हैं, कोई चर्च पर, कोई तीर्थों पर भटक रही है ये आत्मा अपने परम पिता की तरफ में। और ये मिसगाइडर, ये धोखेबाज, ये काल भगवान, ये ज्योति निरंजन, ये सर्वपुरुष, सर्वब्रह्म, 21 ब्रह्मांड का स्वामी, ये इन सभी को गुमराह किए हुए। इसने अपने पुत्रों को, ब्रह्मा विष्णु महेश जी को भी सत्य नहीं बता रखा, इनको भी भ्रमित किया हुआ है अपना उल्लू सीधा करने के लिए। तो इसने अपने जगह जगह, काल भगवान ने अपनी प्रेरणा से जगह जगह ये नकली गुरु बना रखे। ये आत्मा चलती है भगवान के लिए, आगे मिलते हैं नकली गुरु संत मंडलेश्वर, और उनकी नौ जन कितनी दंत कथा लोक वेद के आधार से कितनी प्रभुता और महिमा होती है, तो भोली आत्मा उसको पूर्ण संत मानकर समर्पण कर देता है। जो घर भी त्याग गया, परमात्मा के लिए निकल चुका, और वो समर्पण कर देता है उस नकली संत को असली संत मानकर, तत्वदर्शी संत मानकर, और वो उसके जीवन को बर्बाद कर देता है, उसमें ऐसा गंध भर देता है जो उसमें स्वयं विद्यमान था। फिर वो आगे वक्ता बन जाता है। ऐसे इस काल ने इस तत्व ज्ञान से पूरे मानव समाज को वंचित रखा हुआ है। स्वयं परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म आते हैं तत्वदर्शी संत की भूमिका करने के लिए, और वो उस यथार्थ ज्ञान का वर्णन करते हैं जो हमारे सदग्रंथों में विद्वान होता है। लेकिन उस समय के काल के प्रेरित वो नकली गुरु, नकली ऋषि, महर्षि मंडलेश्वर उस परमात्मा का बहुत विरोध करते और करवाते हैं जनता को भ्रमित करके। परमात्मा कबीर जी के विषय में सुनाएंगे ये कथा धीरे धीरे। ऐसा जुल्म करवाया था इन नकली गुरुओं ने, दुष्टों ने, कबीर परमेश्वर का जो ना विरोध करके जनता को भ्रमित कर दिया। जुला झूठ बोलता है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश की निंदा करता है, वेद शास्त्रों की निंदा करता है, और कबीर परमेश्वर को बहुत यातनाएं दी गई। ये तो परमात्मा थे, उसको यातना वो दे नहीं सकते, फिर भी उन दुष्टों ने अपने कर्म खूब बिगाड़े। तो उस समय कारण क्या था कि हम सभी अशिक्षित थे और काल के दूतों का दाव लगा रहा। अभी तक परमेश्वर को पता था कबीर जी को कि फिर पिछली पीढ़ी में एक शिक्षा का दौर करेंगे, पूरे समाज को शिक्षित बनाया जाएगा, मानव समाज को, पूरे विश्व को। और उस समय वही सदग्रंथ, जिनको ये भोली आत्माएं अपना जिस भी धर्म से संबंधित है अपना यथार्थ ग्रंथ मानती है, ये भोली आत्माएं मानते हैं, और उन्हीं ग्रंथों में परमात्मा का परिचय दिया जाएगा। फिर ये स्वीकार करेंगे परमात्मा कौन है, इनका कल्याण होगा।
तो उस समय परमात्मा स्वयं आए थे, कबीर जी एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करने के लिए अपने सतलोक से आए, और प्रत्येक युग में परमात्मा जो बातें हैं ऐसी ही लीला करते हैं, एक शिशु रूप धारण करते हैं और एक कमल के फूल के ऊपर विराजमान होते हैं। सन 1398 में जो परमात्मा आए, लहर तारा तालाब बनारस में काशी शहर में एक लहर तारा नामक तालाब था, उसके ऊपर फूल विकसित थे कमल के फूल, उसमें परमात्मा आकर प्रकट हुए। एक अष्टानंद नाम के ऋषि जो उस समय के सुप्रसिद्ध महर्षि श्री रामानंद जी के शिष्य थे, वो प्रत्यक्ष दृष्टा है कि वहां सतलोक से एक ऊपर के लोक से एक बहुत जबरदस्त तेज आया, बहुत तेज पुंज आया। तेज पुंज का अर्थ होता है तेज का गुच्छा सा, पुंज समूह, जैसे सूर्य तेज पुंज है, ये साकार है निराकार नहीं है, ऐसे ही परमात्मा अपने तेजोमय शरीर से नीचे आ रहे थे, बालक रूप धारण करके, हल्का तेज पुंज का रूप धारण करके, सरल करके। उसको भी अष्टानंद जी की ये चरम दृष्टि सहन नहीं कर सकी, सामने जब देखा ऊपर को एकदम आंखें बंद हो गई। जैसे हम सूर्य की तरफ देखते हैं, देखते ही आंखें ज्यादा देर सूर्य को नहीं देख सकती, आंखें बंद हो जाती हैं। जब आंखें बंद होती हैं तो सूर्य का प्रकाश नहीं दिखाई देता आंखों में, उसका आकार दिखाई देता है। ऐसे ही जब अष्टानंद जी की आंखें बंद हुई, आंखों में वो चमकारा सा लगा था बहुत तेज का, वो समूह सा नजर आ रहा था उसको, बच्चे का तेज इतना था परमात्मा का। आंखें बंद हुई तो उसमें बालक सा बन गया, क्योंकि उनका ओरिजिनल रूप बालक था, शिशु था। दोबारा आंखें खोली तो वो तेज लहर तारा तालाब के एक कोने में सिमट गया, और ऐसे देख रहा कि मुझे ऐसा चमका लगा और बालक की आकृति नजर आ रही है। अष्टानंद उठकर चले गए कि अपने गुरु स्वामी रामानंद जी से जानकारी प्राप्त करूंगा कि ये मेरी कोई भक्ति की उपलब्धि है या कोई मेरी भ्रमणा है। रामानंद जी को सारा दृष्टांत सुनाया अपने गुरुदेव को। अष्टानंद जी ने कहा कि स्वामी जी, एक आकाश से एक प्रकाश का गोला सा आया, मेरी आंखें उसको सहन नहीं कर सकी, जब आंखें बंद की तो उसमें एक बालक रूप बन गया, छोटा सा नवजात शिशु, ये मेरी भक्ति की कोई उपलब्धि है या मेरी भ्रमणा है। महर्षि रामानंद जी ने कहा कि बेटा, ऊपर के लोकों से जब अवतार गण आते हैं तो वो ऐसी ही लीला होती है, ऊपर से तारा सा टूटता है, वो यहां किसी मां के गर्भ में जन्म लेंगे और कोई लीला करेगा, कोई ऊपर के लोक से कोई शक्ति युक्त पुरुष आया है। अब रामानंद जी ने जैसा ज्ञान था अपने शिष्य की संतुष्टि कर दी। उधर से नीरू नीमा नाम के दो मुसलमान दुल्हाए थे, वैसे उनके उसी जन्म में वो पहले गौरी शंकर और सरस्वती नाम के ब्राह्मण थे, शिव जी के पुजारी थे। अन्य ब्राह्मणों से उनका जो प्रभाव काशी के व्यक्तियों में बहुत था, क्योंकि वो निस्वार्थ कथा किया करते भगवान विष्णु जी की, विष्णु पुराण की। और अन्य ब्राह्मण लोग थे, वो अपना जैसे भी कर्मकांड करते थे पैसे के लालच में। तो गौरी शंकर कथा किया करता था, जो भी दक्षिणा आ जाती थी उसमें अपना भोजन योग्य रख लेता था, बाकी भंडारा कर देता था, वो लालची नहीं था, किसी को भ्रमित नहीं करता था। इससे काशी के अन्य ब्राह्मण ईर्षा रखते थे उस गौरी शंकर से, कि सभी लोग इसके पास जाते हैं, इसकी जगह जगह प्रशंसा करते हैं, इसको बहुत दान करके आते हैं, उससे बहुत ईर्षा करते थे। इस बात का ज्ञान मुसलमानों को हो गया कि सबसे ज्यादा प्रचार ये हिंदू धर्म का ये गौरी शंकर कर रहा है, और इसको मुसलमान बना दिया जाए तो ये ठप हो जाएगा, और अन्य जो गुरु लोग हैं, जो ब्राह्मण हैं, वो इसे ईर्षा करते हैं, तुम्हारा विरोध भी नहीं होगा। उन्होंने ऐसा ही कर दिया, गौरी शंकर और सरस्वती को मुसलमान बना दिया, अपना पानी छिड़क दिया उनके घरों में, उनके मुंह में फेंक दिया। ब्राह्मण लोग देख रहे थे, उन्होंने ढिंडोरा पीट दिया, मुनादी करा दी उन नकली गुरुओं ने
कि गौरी शंकर मुसलमान बन गया है, उसको धिक्कार कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया है, जाति से निकाल दिया है, ऐसा ही हो गया, गंगा में स्नान करना बंद करवा दिया। तो गौरी शंकर और सरस्वती दोनों विवश हो गए। मुसलमानों ने उनके नाम अपनी रीति से नाम चेंज कर दिया, गौरी शंकर का नाम रख दिया नूर अली और सरस्वती का नाम रख दिया नियामा। तो उसको नीमा कहने लगे, नूर अली को नीरू कहने लगे। उनका कोई संतान नहीं थी, 60 साल की उम्र हो गई थी, कोई संतान नहीं थी। भले ही वो मुसलमान बन गए थे लेकिन भगवान शिव जी को भूल नहीं पा रहे थे, प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकते थे वो, कोई ना ग्रंथ को छू सकते थे हिंदू वालों को, क्योंकि वो मुसलमान बन गए थे। इसलिए ये हिंदू धर्म के जो ठेकेदार गुरुजी थे वो शोर मचा देते यदि मुसलमान कोई धार्मिक हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथ को हाथ लगा देता था, उसमें ये छुआ था तो इन नकली लोगों द्वारा फैलाई गई आग बहुत जोरों पर थी। इस कारण से वो बेचारे अपने मन मन में मालिक को याद करते थे, यानी शंकर भगवान को भी याद करते थे। उसी दिन जिस दिन परमात्मा सन 1398 में विक्रमी संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी, जेठ उतरते की पूर्णमासी को सतलोक से चलकर आए, एक शिशु रूप धारण किया। उस दिन वो स्नान करने के लिए गंगा में नहीं जाते थे, क्योंकि काशी के ब्राह्मणों ने नीरू नीमा का स्नान करना गंगा में बंद करवा दिया था कि मुसलमान गंगा में नहीं नहा सकते। तो वो क्या करते थे, एक लहर तारा नाम का बहुत बड़ा तालाब था, जो गंगा का जल लहरों के द्वारा उछल उछल कर बाहर एक बहुत बड़े गड्ढे, बहुत बड़े क्षेत्र में जो झील थी उसको भरे रखता था, वहां जाते थे। वही परमात्मा आकर के कमल के फूल पर विराजमान हो गए। अब नीरू नीमा उनको उठाकर घर ले आए थे। 25 दिन तक हो गए थे नीरू परमात्मा ने कोई आहार नहीं किया। अब पहले तो खुशी मनाई थी नीरू और नीमा ने कि परमात्मा ने हमें खिलौना दे दिया। अब देखा कि ये बालक कुछ खा रहा नहीं, पी रहा नहीं, सारे जंतर मंत्र कर लिए, सभी जो है ना झाड़े झूठे लगाने वालों को, नजर उतरवाने वालों से सबसे संपर्क कर लिया, डॉक्टर वैद्यों को दिखा लिया, कोई राहत नहीं, बच्चा दूध नहीं पी रहा और स्वस्थ ऐसा है जैसे डेली 1 किलो दूध पीता हो। नीमा बहुत चिंतित हुई और अपने भगवान शंकर को याद करके रो रही थी कि भगवान पहले तो आपने ये खिलौना दिया, अब छीनोगे, इसके साथ ही आपकी दासी इस बच्चे के साथ मरेगी, मैं जी नहीं सकती। ऐसे विलाप कर रही थी, 25वां दिन आ गया, परमात्मा शंकर भगवान जी एक साधु संत फकीर का रूप बनाकर, एक ऋषि रूप बनाकर, साधु संत फकीर ऋषि ब्राह्मण, यानी ऋषि को ब्राह्मण भी बोल, एक तो ब्राह्मण थे वो आपस में काशी वाले नहीं, ऋषि को भी ब्राह्मण बोलते हैं, और ऋषि संत फकीर रूप में कोई भी आता है तो हिंदू और मुसलमान सभी उससे लाभ लेने की चेष्टा करते हैं। तो परमात्मा भगवान शंकर जी वहां एक साधु रूप में विराजमान हुए। नीमा रो रही थी तो भगवान शंकर ने, यानी साधु ब्राह्मण रूप में, ऋषि रूप में पूछा कि बेटी क्या बात है, क्यों इतनी चिंतित कैसे है। सारी कहानी बताई नीमा ने कि भगवान पहले तुम्हारे संतान नहीं थी, एक दिन भगवान शंकर जी ने हमारे ऊपर रहम किया, ये खिलौना दिया, एक कमल के फूल पर हमें ये बालक मिला, आज 25 दिन का हो चुका है, ये बालक कुछ नहीं खा पी रहा, इसलिए रो रही हूं कि ये बालक मरेगा, मैं भी साथ मरूंगी, इस बालक बिना के बगैर मैं जी नहीं सकती, ना जाने इसने के जादू कर रखा मेरे ऊपर, इसमें मेरी विशेष ममता हो चुकी है। शंकर भगवान ने वो कहा कि लाओ बच्चा कहाँ है, नीमा ने उठाकर वो बच्चा पालने से और शंकर भगवान के चरणों में रखना चाहा,
चरण जैसे इन्होंने नीचे डालना चाहा तो बालक ऊपर को उड़ गया और श्री शंकर भगवान के शीश के बराबर आकाश में विराजमान हो गया। फिर शंकर भगवान ने ऐसे प्रार्थना की, उनके हाथों में आ गए और फिर शंकर भगवान से परमात्मा नवजात शिशु रूप में प्रकट, 35 दिन के शिशु के रूप में प्रकट भगवान पूर्ण परमात्मा कबीर देव ने, सर्वशक्तिमान परम अक्षर ब्रह्म ने कहा कि शंकर जी इनको कहो कि कुंवारी गायें लावे और कुंवारी गाय के ऊपर आप अपना हाथ रख देना, वो दूध देवेगी, और इनको कहना कि एक कुम्हार से साफ पात्र भी साथ लिया हो, एक मटका घड़ा छोटा सा, उस दूध को पिया करूंगा। आपका समाधान बता दिया तो वैसा ही हुआ। एक कुंवारी गाय नीरू ले आया, साथ में एक स्वच्छ घड़ा छोटा सा जिसमें 5-7 किलो बरोला का आग्रह हमारे का नहीं, यानी 5-7 किलो का एक छोटा सा मिट्टी का घड़ा वो भी साथ लिया। शंकर भगवान ने उस कुंवारी बच्चिया, कुंवारी बच्चिया होती है समझ गए होगे, इस कुंवारी जो बिल्कुल कभी बच्चा पैदा ही नहीं किया हो उसने अनटच्ड, तो उसको ऊपर कमर पे हाथ रख दिया। कुंवारी उस गाय के थन लंबे लंबे हो गए, अपने आप दूध निकलना शुरू हो गया, धार बन गई और वो छोटा सा जो पात्र था वो नीचे रख दिया, वो भरने के उपरांत तुरंत बंद हो गया। ऐसे शंकर भगवान फिर वो चले गए। अपने आत्माओं, ये जो ग्रंथ और वेद इस दास ने अभी देखे, अभी यानी 2002 के बाद, और ये दास सन 1988 से ये गुणगान मालिक के उनके ग्रंथों में पढ़ा करते थे, लिखा हुआ देखा करते थे, सतर्कता सुनाता था। अब वेदों ने इस बात का समर्थन कर दिया, परमात्मा कबीर जी ने कहा था कि वेद मेरा भेद है, मैं मिलो वेदन से नाही और जोन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नाही। ये चारों वेद ये मेरा ही भेद है, मेरी ही महिमा का गुणगान कर रहे हैं, इनमें वर्णित विधि से मैं प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि अभी आपने सुबह के सत्संग में सुना था कि गीता ज्ञान दाता ब्रह्म खुद कह रहा है कि उस परमेश्वर की भक्ति, उस तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए तत्वदर्शी संतों की खोज करो। अब आपको वो प्रमाण दिखाते हैं। परमात्मा की पहचान उसी समय हम कर सकेंगे जब हम स्वयं सदग्रंथों को पढ़ेंगे, नहीं तो अपनी अपनी कह गए इस दुनिया के मां अरविंद साहेब की बंदगी की ठोर ठिकाना ना। अपनी अपनी तो दुनिया बता रहे थे, कोई कुछ कह रहा था, कोई किसी को भगवान बता रहा था, कोई कैसा बता रहा था। अब हमारे सदग्रंथ जिनको हम अथेंटिक मानते हैं, जिनको हम सत्य मानते हैं, आज उन्हीं को फिर पढ़ेंगे और उन सत्य को फिर हम स्वीकार करेंगे और अवश्य करनी चाहिए। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9-10, ये कहां से छपा है, जैसे सुबह भी दिखाया था आपको, प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली 2। फोन नंबर ये है। ऋग्वेद आर्य भाषा भाषा यानी संस्कृत से हिंदी में अनुवादित, महर्षि दयानंद सरस्वती कृत, मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। इतना ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 9 का मंत्र नंबर 9, अब ये 9 मंडल यहां से देखिए आप। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9, नवम मंडल। नवम मंडल ना नहीं, नौवां मंडल।
इसका प्रथम मंत्र हे सोम स्वभाव परमात्मन, यानी परमात्मा का जिक्र नंबर एक। नंबर दो, मंत्र नंबर दो, हे परमात्मन। नंबर तीन, हे परमात्मन। नंबर चार, हे परमात्मन। कहने का भाव ये है कि इन्होंने सब जगह परमात्मा, नंबर पांच में हे परमात्मन, नंबर छह में हे परमात्मन अनुवाद करते समय, और सात में। अब यहां से गड़बड़ी शुरू कर दी इन्होंने। उस पुरुष को ज्ञान यज्ञ में भली प्रकार ग्रहण करती है, दस संख्या वाली स्वयं गतिशील वर्तियां जो अति सूक्ष्म है, प्रकाश रूप ज्ञान के भाव में दस धर्म के स्वरूप उसे आकर प्राप्त होते हैं। अब यहां गड़बड़ शुरू कर दी। अब यहां तक तो ये परमात्मन परमात्मन करते आ रहे थे, यानी महिमा तो परमात्मा की कही जा रही है। अब यहां गड़बड़ शुरू कर दी। आठवें में क्या लिखा है, उस पुरुष को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं और भासमान शरीर को वह पुरुष प्राप्त होता है। भासमान प्रकाशमान शरीर को वह परमेश्वर धारण करता है। अब यहां परमेश्वर परमात्मन क्यों ना लिखा। अब वही है जैसे गीता का अनुवाद करने वाले जहां विचलित हुए वही अड़ंगा कर दिया, विचलित हो गए, तो इन्होंने यहां लिखना था पुरुष के जगह पर परमात्मा लिखना था। अब पुरुष पढ़ के आगे चल पड़ता आदमी की तो पुरुष परस के बारे में बोल रहा है, क्या होगा आगे चलो, क्योंकि हम सदग्रंथ से परिचित नहीं थे। अब आगे देखो, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 8 यहां लिखना चाहिए, उस परमात्मा को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं। उग्र गति माने यहां है जो विशेष परिस्थितियां, जब यहां आकार मचती है, अधर्म का नाश होता है, धर्म के उत्थान के लिए पूर्ण परमात्मा आता है, प्रेरणा करती है, और भासमान शरीर को वह पुरुष, भासमान शरीर को वह पुरुष प्राप्त होता है। भासमान माने तेजो में साकार, साकार यानी तेजो में शरीर को वो परमात्मा प्राप्त होता है। आगे देखो, वह पुरुष लिख दिया, अरे परमात्मा ने क्यों ना लिखा। आगे देखो, और जिसमें ऐसा शरीर, उस जिसमें तीन प्रकार से दूसरों का वारण करने वाला मधुमेह शरीर मिलता है, तीन प्रकार से। अब देखो, परमात्मा कई प्रकार से अपना शरीर धारण करता है। एक तो ओरिजिनल शरीर है सतलोक के अंदर परमात्मा का, एक रोमकूप में करोड़ सूर्य और करोड़ चंद्रमा मिला दे तो भी एक रोमकूप की रोशनी उन सूर्य करोड़ सूर्य और करोड़ चंद्रमा की रोशनी प्रकाश से अधिक है। और दूसरा, वो जैसे शिशु रूप धारण करके आए, अपना रूप को सरल करके प्रकट हुए, बालक रूप धारण किया ऐसे। और तीसरा रूप ऐसा होता है जो अपनी वचन शक्ति से वो कहीं भी प्रकट हो जाते हैं, किसी भी युवा रूप में, बूढ़े रूप में, यानी कहीं भी वो किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। ऐसे उस वो परमात्मा तीन प्रकार से अपना शरीर धारण करता है, बनाता है। आगे देखो, नौवें में कमाल हो गया, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 9, ये 8 आपने पढ़ा, ये 9। उस सोम स्वभाव वाले पुरुष को, सोमम माने अमर पुरुष को, यहां अमर पुरुष लिखना था, उस सोम स्वभाव वाले पुरुष को परमात्मा लिख देते यहां पर, परमात्मा को जो शिशु रूप में, शिशुम जो शिशु रूप में होता है, सब प्रकार अभी अधन्या। देखो ये है अभी शब्द है, ये अधन्या, अधन्या माने बिना धनाई, जो गायें
कभी गर्भ धारण ना किया हो उसको तो कह देते बिना दनाई, यानी चाहे वो ब्याही हुई भी हो, पहले भी वो बच्चा दे चुकी हो दो एक दो बार और फिर नए दूध नहीं हुए, तो उसको कहें अभी ये बिना दनाई है। और अभी अदन्या यानी बिल्कुल टच भी ना की हो, हुआ हो अभी तक, यानी कंवारी, अभी अदन्या कंवारी, ये देखो उस सोम स्वभाव वाले पुरुष को कुमार अवस्था में यानी जो शिशु रूप में प्रकट होता है, बालक रूप धारण करके आता है वो परमात्मा, तो सब प्रकार से अभी अधन्या यानी कभी भी पूर्ण रूप से सब प्रकार से यानी अंतस कंवारी गौए तृप्त करती है, यानी उनका दूध पीता है वो परमात्मा। वैसे जिसका अर्थ दास ने किया वो बहुत ही यथार्थ है। आगे देखो दसवें में विज्ञानी पुरुष इसी भाव से, ये परमात्मा लिखना था वो परमेश्वर, इसी भाव से ये देखो ना तृप्त करती है ऐश्वर्य की वृद्धि के लिए, अथवा उक्त श्रद्धालु पुरुष को अहिंसनीय वाणिया, अवाणी कितना की भी है, वास्तविकता यह है कि वो परमात्मा अपना ज्ञान उपचार करने के लिए शरीला करता है। यहां देखो दसवें में ज्ञानी पुरुष विज्ञानी पुरुष यानी तत्वदर्शी संत इसी भाव से संपूर्ण अज्ञानों को नाश करता है, यानी ऊपर बालक रूप में आता है फिर अपना उस सब अज्ञान का नाश करने के लिए प्रचार करता है, और इसी श्रद्धा के भाव से सूरवीर यानी बिल्कुल सच कहने वाला, किसी से नहीं डरता, वो सच ही बोलता है, सूरवीर अपनी वीरता के मद में मस्त होकर ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। ये अर्थ कुछ और बनता है कि वो परमात्मा जब आते हैं बालक रूप धारण करते हैं तो निर्भय होकर सच्चाई को कटु सत्य को सब सबके सामने सरेआम बोलते हैं वो परमात्मा, इसका अर्थ ये है। अब आइएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 का और मंत्र नंबर 26-27। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 और इसके 26 मंत्र में क्या कहा है, उसका नाम दिया परमात्मा का, यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने साधना यानी भक्ति करने वाले भक्तों के लिए परमात्मा, सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को यानी संकटों को मर्दन कर देता है, नष्ट करता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को निर्जनम, अपने रूप को यानी साकार शरीर को सरल करता हुआ यानी हल्के तेज पुंज का बनाता हुआ, वह कांति में परमात्मा कबीर, इन्होंने कबीर का अर्थ लिख दिया सर्वज्ञ, यहां लिखना था वो कबीर देव विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ यानी लीला करता हुआ वर्णीय पुरुषों यानी श्रेष्ठ पुरुषों को प्राप्त होता है। आगे देखो किस लिए आता है 27 में, प्रेम की वे सत वे सैकड़ों धाराएं जो नाना रूप में स्थिति को लाभ कर रही हैं, वे परमात्मा को प्राप्त होती हैं। प्रकाश पुंज परमात्मा को, प्रकाश पुंज को प्राप्त होती हैं। प्रकाश पुंज परमात्मा को बुद्धि वृत्तियां विषय करती हैं। जो परमात्मा धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर यानी स्थान पर विराजमान है, प्रकाश रूप है, उसको बुद्धि वृत्तियां प्रकाशित करती है। अब देखो स्पष्ट कर दिया कि वो परमात्मा कहीं एक स्थान पर है, जैसे आपने दिन में सुबह ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र नंबर 16-17-18 में यही देखा था, फिर देख लीजिए, क्योंकि ये तो भाई भोजन है पुण्यात्माओं, आत्मा का आहार है, सुबह खाना खाते हैं,
स्वस्थ व्यक्ति तो शाम को भूख लगती है, और थाली में रोटी दिखते हैं लाड़पड़न लाग जा है कि बस फटाफट ले आओ भूख लग रही है, तो स्वस्थ है तो रुचि कर खाता है। जैसे आपने 100 बार भी लाख बार भी जब मालिक की चर्चा सुनते हो और जितनी बार भी आप सुनते हो आनंदित होते हो तो आप स्वस्थ हो। यदि आपके मन में माथा ठंड कह महाराज जी बार बार वो है बात बताओ है, तो आपके अंदर फिर अस्वस्थता पैदा होगी, आप रोगी हो गए, आपकी आत्मा रोगी हो चुकी है। ये कभी नहीं आना चाहिए। ये तो अमृत हर गदगद मिला इस रामायण ने सुन सुन कर बहरे कान हो गए। रामकृष्ण कृष्ण जी की लीला सुन सुन का हम कति फेल हो लिए, बुद्धि जमा कंडम हो ली थी, रामलीला बुना ली नाचन लागे, क्योंकि इनकी कथा सुन सुन का बहरे हो लिए थे। रामायण को जब रामलीला होती थी कोई नहीं देखा करता, फिर इसमें के तरीका अपनाया पाखंडिया ने, नाचने गाने वाली लड़कियां लाने लग गए, सांग जोड़ दिया, फिर भी 20 आदमी जाया करते क्योंकि उसमें वो आनंद नहीं। और ये ऐसा ज्ञान है आप 100 बार लाख बार सुन लोगे तो भी आत्मा संतुष्ट नहीं होगी, एक बार होगी फिर सामने फिर भूख लगेगी, यानी फिर ताप नहीं। तो ऐसे अगर आपका है तो आपकी आत्मा आपकी भक्ति स्वस्थ चल रही है, और मन में फिर यही आता है कि बार बार वही सुनाते हैं तो आप रोगी हो लिए। यानी थाली में दरी रोटी ने और सुबह खाई थी शाम को फिर रुचि नहीं बन रही है तो आपको कोई ना कोई गड़बड़ी हो रही, आप बुखार होने वाला है या कोई बदहजमी हो रही है, उसका ट्रीटमेंट क्या है कि कड़वी दवाई खावे ना रुचि हो तो भी। तो इस ज्ञान को ना चाहते हुए मान ले किसी एकाध 1% भक्त होते हैं उनको ऐसा लगता है तो फिर भी बर्र रहकर सुना इसी को ये फाके कुनीन सी, और फिर रुचि शुरू हो जाएगी। आप देख लेना 10 मिनटों में फिर रुचि शुरू हो जाएगी आपको इस ज्ञान को सुनने में। आप देखिए ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 का ये 16 मंत्र। हे परमात्मन, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 का मंत्र 16 में, वेद ज्ञान दाता भी ब्रह्म है, जो गीता ज्ञान दाता है वही वेदों का ज्ञान भी वही दे रहा है। वो कह रहा है हे परमात्मन, हे पूर्ण परमात्मा, सर्वोपरि रहस्य श्रेष्ठ जो नाम, ये संस्कृत है कोष्ट में ब्रैकेट में, जो तुम्हारा संज्ञा यानी तुम्हारा नाम है आप उसका ज्ञान कराएं, तो उसका ज्ञान फिर 17 में करवाया है कि वो शिशुम जगानम हरियंतम मर्जंती सुबंती वहीन मरुतोगणेन कवीर गिरभी कावेना कवीर संत सोम सोम है पवित्र अति पवित्रेति रेभन। वो पूर्ण परमात्मा सोम पुरुष, सोम वो अमर पुरुष है, ये शिशु रूप जो धारण करके जानबूझकर जगानम सब इच्छा से अपनी जानबूझकर प्रकट होता है, वो साकार होता है, और वो परमात्मा फिर ऊंचे स्वर में आवाज लगा लगा रेभन माने गरजता हुआ, रेभन सन रेभन ऊंचा ऊंची आवाज में आवाज लगाता है कावेना यानी कविताओं के माध्यम से। ये देखो कावेना कवितव से कावेना कवि आप कविताओं के माध्यम से ऊंचे स्वर में आवाज लगाता है कबीर वाणी द्वारा, कबीर गिरभी कबीर वाणी द्वारा सचिदानंद घन की अपनी वाणी द्वारा अपने मुखारविंद से उच्चारण करता हुआ के द्वारा अपनी वाणी के द्वारा उच्चारण करता है ऊंचे आवाज में बोलता है। और वो कबीर है, वो अमर परमात्मा कबीर देव है। आगे देखो इन्होंने कबीर इस कबीर गिरभी को 2 भागों बांट दिया, कवि का तर्क लिख दिया कवि लोग और ये गिरभी लिख दिया वाणी द्वारा, तो हम यहां लिख दें कबीर वाणी द्वारा, कबीर का अर्थ कबीरे लिख दे कबीर, हम वह बोलते हैं वह को कबीर वाणी, या ये संस्कृत यानी क्या नाम व्याकरण के चक्कर वाले ये सोच ले उस कवि द्वारा बोली गई वाणी, तो ये आगे स्पष्ट करता है कि ऋषिमान ऋषि मना ये ऋषिकर्त, वो संत रूप में प्रकट परमात्मा तत्वदर्शी संत की रूप में प्रकट होकर के जो अपनी कविताओं के माध्यम से
तत्व ज्ञान का उच्चारण गृहता का उच्चारण करता है, इस कारण से वो कवि की पदवी भी प्राप्त करता है, पदवी कवि नाम। और सहस्रणी है, हजारों वाणी बोलता है। ऋषि कृत सवरसा, ऋषि मना ये ऋषि कृत, उस ऋषि रूप में संत रूप में प्रकट परमात्मा के द्वारा रची गई वो हजारों वाणियां, उस ऋषि मना ऋषि स्वभाव के साधु संत भक्तों के लिए सवरसा माने आनंद देने वाली होती, उनको बहुत प्यारी लगती हैं। और जिस कारण से वो परमात्मा प्रसिद्ध कवियों में से एक होता, पदवी प्राप्त करता है। और वो तृतीय धाम महीस है, वो तीसरे धाम में रहता है, विराजमानों माने रहता है, उसको स्थापित करता है, राजती सुतोप यानी गुमज में रहता है। ये क्या किया इन्होंने, सोम स्वरूप परमात्मा यानी वो अमर पुरुष जो बालक रूप धारण करके आता है, सोम स्वरूप परमात्मा पालन की इच्छा करता हुआ जो महान परमात्मा तृतीयम धाम, या देखो संस्कृत पढ़ेंगे हम, ये नागरी लिपि है, आसानी से पढ़ सकते हैं। तृतीयम धाम, इन्होंने लिखा देवयान और तृतीयान पितरान, इन दोनों से पृथक तीसरा जो मुक्ति धाम है, यानी तृतीयम धाम माने तीसरा धाम, उसमें विराजमान है, वहां रहता है वो भगवान। अभी इन्होंने ज्ञान योगी अड़ा दिया अड़ंगा, ज्ञान योगी का क्या जिक्र है, भगवान के बारे में बात चल रही है। कवि नाम पदवी जो कांतर्जियों की पदवी अर्थात मुख्य स्थान है, देखो वो ये कवि नाम पदवी का अर्थ है, जो प्रसिद्ध कवियों में से भी एक कवि की पदवी प्राप्त करता है। ऋषि मना सर्व ज्ञान साधन रूप मन वाला वह परमात्मा नहीं, ऋषि मना ऋषि स्वभाव के जो भक्त हैं उनके लिए, ऋषिकृत सब ज्ञानों का प्रदाता, ऋषिकृत माने उस ऋषि के द्वारा की हुई रची हुई, जैसे इसमें लिखा है उन्होंने कि ये अनुवाद महर्षि दानंद कृत, ये देखो महर्षि दानंद सरस्वती कृत इसके द्वारा किया गया, यानी उस परमात्मा द्वारा बोली गई वाणियां वो उस परमात्मा सन स्वभाव के व्यक्तियों के द्वारा बड़ी भक्तों के लिए सुखदायक है। और वो तृतीय धाम में रहता है, अब फिर आ जाएंगे वहीं पर, मंडल नंबर 996 का ही फिर अभी आपने 18 पढ़ा, अब यहां देखते हैं। वैसे इसमें 19 में फिर तुरियम माने चौथा धाम, तुरियम धाम वो चौथे धाम में भी रहता है, वो अकेय लोक में भी रहता है, इसका ये अर्थ है, लेकिन हम अपने मतलब की बातें देखेंगे। 20 में वह परमात्मा जिस प्रकार एक संघ को उसका सेनापति प्राप्त होता है, इसी प्रकार ब्रह्मांड रूपी को उसको प्राप्त होता है, होकर उस स्वर से ग्रस्ता हुआ इस ब्रह्मांड रूपी विस्तृत प्रतिखंड में भली भांति प्रविष्ट होता है। अब क्या स्पष्ट कर दिया कि वह परमात्मा ऐसे वेल नोन होता है, ऐसे सुप्रसिद्ध होता है, जैसे एक सेनापति बहुत बड़ी सेना का अध्यक्ष होकर उसको कमांड करता है। तो परमात्मा कबीर जी आए थे तो उस समय 64 लाख शिष्य थे प्रभु के, और वो उनका एक ही कमांडर था। कहते ऐसे भी लीला करता है, तो वो कैसे आता है वहां से तीसरे धाम से, देखिएगा इसी में ऋग्वेद मंडल नंबर 996 के मंत्र 20 को हम पढ़ रहे हैं। वह परमात्मा जिस प्रकार एक संघ को उसका सेनापति प्राप्त होता, इसी प्रकार ब्रह्मांड रूपी कोष को प्राप्त होकर उच्च स्वर से गरजता हुआ इस ब्रह्मांड रूपी विस्तृत प्रतिखंड में भली भांति प्रविष्ट होता, यानी वहां से चलकर आता है यहां प्रवेश करता है। जैसे नए माने मरियन है यानी मनुष्य की तरह, जैसे मनुष्य सुभर शरीर को धारण करता हुआ यानी मनुष्य के समान अन्य हल्के तेज पुंज का शरीर धारण करता हुआ परमात्मा, अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान यानी बिजली के जैसे चमके की तरह क्षण एक में प्राप्ति के लिए, इसका अर्थ है वो नीचे आता है, घराना यानी बहुत बड़े बहुत ज्यादा स्पीड से आता है। अब आप फिर आते हैं
ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर 86 का मंत्र नंबर हमने 26 पढ़ लिया, 27 पढ़ लिया कि वो परमात्मा 27 में वो जो परमात्मा धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, यानी एक देश ये है, एक स्थान पर रहता है, वहां है। अभी से इतना ही लेना था हमें। अब आइए ऋग्वेद मंडल नंबर 9 का सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 1-3 हम पढ़ेंगे। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का ये है 82 सूक्त है और इसका मंत्र नंबर 1। इसमें क्या लिखा कि जो सोम माने सर्व उत्पादक प्रभु परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, अरुष माने रूप प्रकाश रूप है, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों को हरण करने वाला पाप नाशक, वह राजेव संस्कृत है राजेव, राजा के समान राजा की तरह, इन्हीं के शब्दों में अनुवाद में राजा के समान दर्शनीय है, वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों को चारों ओर से चारों ओर शब्दमान हो रहा है, वह वर्णीय पुरुष को श्रेष्ठ व्यक्ति को जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है, यानी दृढ़ भक्तों को आकर प्राप्त होता है। जिस प्रकार विद्युत यानी बिजली की तरह बिजली विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। जैसे पहले एक कहावत सुना करते नुका करते भाई काले सांप पे बिजली बड़ी शीघ्रता से पड़े, यानी काले सांप पे बिजली पड़ेगी। और या कहते थे एक कासी के बर्तन होते थे, पहले कासी धातु होता था, तो ये कहते थे कि कासी के थाली या बेले पर बिजली अवश्य गिरती है। तो ऐसे ही इस परमात्मा के बारे में उसकी उपमा दी गई है कि जैसे बिजली अपने सुपात्र पर जाकर गिरती है, अपने सन्हे वाले स्थान पर गिरती है, ऐसे ही वो पूर्ण परमात्मा अपने सतलोक से बिजली जैसी गति से आकर के अपने उन प्यारी आत्माओं को दृढ़ भक्तों को आकर मिलता है। और परमात्मा भी कहते हैं, और वो आकर के फिर ज्ञान उपदेश करता है। किस उद्देश्य से आता है देखो आगे, आत्माओं जितनी बार सुनोगे उतना ही अच्छा लगेगा। ये वह वर्णीय पुरुष को यानी श्रेष्ठ भगत को, अच्छी आत्मा को, अच्छे वरिष्ठ अच्छे व्यक्ति को जो दृढ़ भक्त है उसको अपवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जिस प्रकार विद्युत सन्हे वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, जैसे काशी के बेले वगैरह करती बिजली काले सांप पर गिर जाती है, इसका कोई ऐसा कनेक्शन हमसे, ऐसे कहते वो उन्हीं पर को मिलता है और उनको फिर अपना यथार्थ ज्ञान होता है। किस लिए आता है ये देखो, नंबर 2 ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 व्यासी का मंत्र 2। हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, श्रेष्ठ व्यक्तियों को मिलते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को, यानी जहां धार्मिक अनुष्ठान शास्त्र अनुकूल होते हैं, जैसे सत्संग चल रहे हैं, यहां परमात्मा विद्यमान रहते हैं, हमें नहीं दिखाई देते, वो अदृश्य अलग बात है, और साकार साक्षात भी आकर मिलते हैं, प्राप्त होते हैं। यहां लिखा वो कबीर ऊपर की मात्रा कबीर वेदस्या, इन्होंने प्राप्त होते हैं वो कवि, आप कबीर हैं, इन लिख दिया आप सर्वज्ञ हैं, यहां हम लिख दें आप कबीर देव हैं, ना तो व्याकरण बिगड़ी, आप कबीर देव हैं, कबीर देव हम उसको कबीर देव कबीर साहब कहने लगे, कबीर परमात्मा अल्लाह अकबर, मुसलमान भाई उसको अल्लाह अकबर कहने लगे, बड़ा भगवान, हम इसको कबीर देव कबीर साहब कहते हैं। शुद्ध स्वरूप है, हमारे पापों को दूर करके हे अमर पुरुष हमको सुख दे, आदि आदि। अब तीसरे में
पवित्र यज्ञोमय रक्षा से आप प्राप्त होते हैं और पृथ्वी आदि लोकांतरों में गति करते हुए यानी वहां से चलकर आप सर्वव्यापक नहीं, आप स्वयं गतिशील होकर यानी वहां से चलकर विराजमान होते हैं। तो वो परमात्मा यहां आते हैं अपने मुखारविंद से, अपने मुखारविंद से, अपने मुख कमल से ये अमृत ज्ञान का प्रसार करते हैं, वाणी बोलते हैं, जिसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में आपको दिखाया कि इस प्रकार बहुत से विस्तार के, बहुत ही विस्तार से इस प्रकार के यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी जो 25 से लेकर गीता जी अध्याय नंबर 4 के 25 से लेकर 30-31 तक के मंत्रों में है, इससे अलग और विस्तार से उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कही गई है। उस सच्चिदानंद घन की वाणी में, कबीर वाणी में, जो गीता ज्ञान और वेदों ज्ञान से भिन्न है, अलग है, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 में दो बार कहा है कि उस वेद ज्ञान दाता और गीता ज्ञान दाता एक ही है, यह सर ब्रह्म जिसको ब्रह्म ही बोलते हैं। तो वेदों का ज्ञान भी वही बोल रहा है, तो कह रहा है कि परमात्मा के बारे में कोई तो उत्पन्न होने वाला कहता है, कोई कहता है वो उत्पन्न नहीं होता, उसके विषय में यथार्थ जानकारी भी तत्वदर्शी संत ही बताएंगे, उनसे सुनो। इससे सिद्ध है कि वेद ज्ञान भी इनकम्प्लीट है और उससे अलग कोई और ज्ञान है जो तत्वदर्शी संत बताएंगे। प्रसंग चल रहा था कि गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में जिस तत्वदर्शी संतों के विषय में कहा है उसकी पहचान बताई है कि वह तत्वदर्शी संत होगा कैसा। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1 हम फिर देखेंगे, ये सुबह भी दिखा दिया था लेकिन अब क्योंकि वह बात अगर सुबह रोटी खाई तो शाम में भी खाएंगे और शाम के समय कुछ श्रोता भी बदल जाते हैं, सुबह वाले चले जाते हैं, शाम को भी आते हैं, फिर देखिएगा। श्री मद भगवत गीता और इसके अनुवादक हैं जय दयाल गोविंद का, ये कहां से प्रकाशित है, प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान, अनुवादक हैं जय दयाल गोविंद का। इसके अध्याय नंबर 15 के और श्लोक नंबर 1 को हम फिर पढ़ेंगे। इन पवित्र सदग्रंथों से जब तक आप रूबरू नहीं हो लोगे आपको विश्वास नहीं हो सकता, क्योंकि हमने अज्ञान गढ़ा सुन रखा है। ये 15वां अध्याय ऊर्ध्व मूलम, ऊर्ध्व माने ऊपर को, ऊर्ध्व है मूलम, अध शाखम अश्वथम प्राहु अवम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। परमात्मा कबीर परमेश्वर कबीर देव जी ने शम्स एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हुए बताया था अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार और तीनों देवा शाखा है ये पात्र संसार। अब तीन परमात्मा है, एक सर्ब्रह्म सर्पुरुष। आम संत लैंग्वेज में समझाने के लिए सरल सरना सुना, क्योंकि पहले अनपढ़ गणे थे तो उसको छर पुरुष छर्ब्रह्म कहने लगे, छर्ब्रह्म, और जो अक्षर ब्रह्म है उसको अक्षर ब्रह्म कहा करते संत लैंग्वेज में। तो ये सर्ब्रह्म कहो चाहे से ब्रह्म कहो, और एक अक्षर ब्रह्म अक्षर, और एक परम अक्षर ब्रह्म परम अक्षर पुरुष, इनको सर्ब्रह्म कहो चाहे सर्पुरुष कहो, इस प्रथम भगवान प्रथम वाले को, और दूसरे को अक्षर ब्रह्म को अक्षर पुरुष कहो चाहे अक्षर ब्रह्म कहो, और फाइनल परमात्मा को परम अक्षर ब्रह्म कहो चाहे परम अक्षर पुरुष को। पुरुष माने परमात्मा, ब्रह्म माने भी परमात्मा, भगवान होता है।
तो ये तीन अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन ज्योति निरंजन काल, इसको सर पुरुष को ज्योति निरसन भी कहते हैं, निरंजन निरंजन वाकी डार यानी ब्रह्म डार है, सर्ब्रह्म डार है और तीनों देवा शाखा है। ये पात्र रूप संसार, ये देखो सुबह यहां से सत्संग छोड़ा था, अब इसी को फिर सिरे से लेने के लिए ये भूमिका इतनी बनानी आवश्यक थी। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, बस गीता ज्ञान दाता ने तो इतना बस संकेत कराया कि ऊपर ने जड़ और नीचे ने तीनों शाखा वाला, नीचे को शाखा वाला ये संसार रूपी पीपल का विनाशी पेड़ है और जो संत इसको तत्व मूल सहित जानता है यानी जड़ से लेकर पत्तों तक शाखाओं तक भिन्न भिन्न बताता है, सवेदवित